नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गार्डनिंग विद सुनील में। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करूंगा जिसे दोस्तों आप इंडोर भी ग्रोथ कर सकते हैं और आउटडोर भी। दोस्तों इसका नाम है सेंसिवेरिया। इसे दोस्तों मदर इन लॉ, स्टंग और स्नेक प्लांट जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और काफ़ी वैरायटियों में माना जाता है। दोस्तों यह प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है और दोस्तों इसे बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट भी माना गया है। दोस्तों मेरे पास इस प्लांट की तीन वैरायटियां हैं। जैसे दोस्तों ये वैरायटी है ड्वार्फ वैरायटी, डीप ग्रीन कलर में है। दोस्तों इसके लीफ की फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत होती है। दूसरी वैरायटी है दोस्तों ये दोस्तों डार्क ग्रीन कलर और बॉर्डर इसका जो है वो दोस्तों येलो कलर में होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वैरायटी लगती है। तीसरी वैरायटी है दोस्तों ये दोस्तों इसके जो लीव्स हैं वो बहुत ही लंबे लंबे लीव्स होते हैं। इसमें दोस्तों ये जो लीव्स हैं ये ग्रीन कलर और साथ में इसके जो साइड की जो है बॉर्डर येलो कलर का बॉर्डर है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसी दोस्तों ये ग्रीन कलर में है। ये दिखने में दोस्तों ऐसे लगता है जैसे स्नेक हो कोई और उसे अपना फन फैला रखा हो। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इस प्लांट को आप बेडरूम में, विंडोज में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर अच्छी रोशनी मिले। और दोस्तों इन प्लांट को लो मेंटेनेंस प्लांट कहा गया है। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को आप जब भी लगाते हैं, चाहे दोस्तों इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो, जब भी आप उसकी सॉइल मिक्सचर बनाएं तो दोस्तों उसे ऐसा बनाएं कि उसमें प्लांट वेल ड्रेन हो। उसमें आप जैसे पानी दें तो पानी जितना प्लांट को चाहिए बाकी वो ड्रेन आउट हो जाए। दोस्तों जब मैं इनकी सॉइल बनाता हूँ तो इसमें दोस्तों 40% रेत, 40% मिट्टी और 20% खाद लेता हूँ। दोस्तों इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर दोस्तों इन प्लांट्स में ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है या खड़ा हो जाता है पानी, तो इनकी जो रूट्स हैं गलने लगती हैं, इनके लीव्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इनके जो लीव होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ज़्यादा पानी देने से दोस्तों इनकी रूट्स गल जाएंगी। और दोस्तों ये एक पेरिनियल प्लांट है, सारा साल हमारे गार्डन में जो है बना ही रहता है। यदि दोस्तों आप इस प्लांट को आउटडोर रखते हैं तो दोस्तों इसको ऐसी जगह रखें जहां इसे सिर्फ ब्राइट लाइट मिले। तेज धूप में दोस्तों ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे दोस्तों अपना मई से जुलाई तक की जो तेज धूप होती है उसमें तो ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप इसे दोस्तों ऐसी जगह रखें जहां पर आप इसे एकदम ब्राइट लाइट मिले। दोस्तों मेरे पास इस प्लांट की ये तीनों वैरायटियां हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इस प्लांट की बहुत वैरायटियां आती हैं। दोस्तों इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही आसानी से प्लांट प्रोपोगेट हो जाता है। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये प्लांट है मेरा, इसके साथ ये बेबी प्लांट जो है ये साथ में इसके निकल रहा है। एक ये है दोस्तों, ये इसका बेबी प्लांट साथ में निकल रहा है। ऐसे ही दोस्तों ये जो है ब्लैक कलर का, इसमें ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों ये प्लांट इसका आ रहा है। एक ये प्लांट दोस्तों मैं इसका अलग कर सकता हूँ। ऐसी दोस्तों ये प्लांट भी है, ये भी अपने जो है बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता रहता है। अब जैसे दोस्तों मेरे पास ये प्लांट था, मैंने इसमें से एक प्लांट से अलग कर लिया, उसे अलग गमले में लगा दिया। ऐसे ही दोस्तों दूसरा इसका बेबी प्लांट निकला था दोस्तों, वो भी मैंने देखिए इसे अलग कर दिया। अच्छा दूसरा दोस्तों एक चीज़ आप देखिए, मेरे इनमें एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने जैसे मेरा प्लांट है मैंने उसके हिसाब से जो है पोट लिए हुए हैं। जैसे मेरे ये दोस्तों ये प्लांट छोटा है तो मैंने इसमें 5 इंची पोट लिया है। ये प्लांट दोस्तों मेरा थोड़ा इस प्लांट से बड़ा है तो मैंने इसमें 8 इंची पोट लिया है। ये प्लांट दोस्तों काफ़ी बड़ा है तो मैंने दोस्तों इसमें 12 इंची पोट लिया है।
दोस्तों आप जब भी प्लांट लें तो छोटे प्लांट को बड़े प्लांट बड़े पोट में सीधा मत कीजिए, उसे आप छोटा यदि पौधा है तो उसे पहले छोटे में ही लगाइए। उससे दोस्तों इस प्लांट की जो रूट्स है वो आसानी से डेवलप होगी और पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। दोस्तों इसके बाद इस प्लांट को यदि खाद की बात की जाए तो ज़्यादा खाद की दोस्तों इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, फिर भी दोस्तों महीने में एक बार आप इसमें एक मुट्ठी या दो मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी खाद आपके पास हो वो इसमें दे दीजिए। इसको इनफ होती है दोस्तों इतनी खाद। और दूसरा एक और बात दोस्तों, इसको ये अपना जो लीव है ये दोस्तों अपने एक लीव से ही प्रोपगेट हो जाता है। जैसे दोस्तों ये लीव है इसका, आप इसके एक लीव को तोड़ कर ही मिट्टी में दबा देंगे तो एक से डेढ़ महीने के अंदर दोस्तों इसका जो है दूसरा प्लांट जो है बनना शुरू हो जाएगा, उसकी रूट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। आप इसे अपने गार्डन में जरूर जगह दीजिए, आप इसे अपने रूम में रख सकते हैं। यदि आपके रूम में ब्राइट लाइट नहीं आती तो जहाँ रोशनी आती है वहाँ रखिए, और दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। ये जहाँ भी आप लगाएंगे दोस्तों वो आपका कोना चार चांद लगा देगा उस कोने में। तो दोस्तों यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।